हाँ चालू कर दिया। जिस तरफ फ्रेश एयर है उधर आ रहा है, आ रहा है उधर। आते बराबर एक बाइट। देखिए ये वुल्फ स्नेक है, ये बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली ये जो सांप है मनियार जैसे अपन कहते हैं वैसा सांप होता है, जो कि आप कहेंगे जिसको कॉमन कैरेट वैसा नज़र आता। अक्सर लोग ये करते हैं कि इसे कॉमन कैरेट समझ लेते हैं और कॉमन कैरेट समझने की वजह से इसको मार देते हैं। एक्चुअली ये नॉन वेनमस स्नेक है जिसमें जहर नहीं होता है। इस सांप की खासियत ये है कि ये बिल्डिंग्स पर क्लाइम कर सकता है, मतलब चढ़ सकता है। हमने जब इस सांप को रेस्क्यू किया ये तकरीबन थर्ड फ्लोर पे था जहाँ से मैंने रेस्क्यू किया, और ऑलमोस्ट ये क्या करता है, बाइट करता है। सबसे ज़्यादा कहे हम लोग बार बार बाइट करने वाले सांपों में से एक है। देखिए देखिए ये इस तरह से बाइट करता है, और इनके जो दो सामने के जो दांत होते हैं वो ऐसे होंगे जैसे भेड़िया उल्फ स्नेक कहा जाता है, या भेड़िया या कौड़िया सांप भी कहा जाता है इसे। ये जहरीला नहीं होता, और ये इसका जो भोजन होता है ये छिपकली गिरगिट या फिर हम सांपों की मौसी या सांप सिल्ली जिसे कहते हैं वो, या मेंढक खाता है। आप इसका सर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये पैचेस आपको दिखेंगे ये। और कॉमन कैरेट और इस सांप में डिफरेंस क्या है, ये जो धारियाँ आप देख रहे होंगे ये येलोइश आपको जो नज़र आ रही है ये थोड़ी ब्रॉडर होती है, बड़ी चौड़ी होती है। और कॉमन कैरेट में क्या होती है वो हेक्सोनिकली होती है, इस तरह से आपको नज़र आएगी कि यहाँ से इस तरह से वाइटिश होती है। और ये सांप बहुत सुंदर होता है, और ज़्यादा ये मानेंगे कि ये जो सांप है एक औसत सांप है जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 2 फीट करीब होगी। अब हम इसे ज़्यादा परेशान न करते हुए इसे पर्यावरण में रिलीज़ करेंगे। देखिए ये बाइट कितना करता है, बहुत ही सुंदर सांप है। यदि आप चाहें तो इसकी मुंडी देखिए, मैं और आप अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी ये बाइट है, और इसकी जो बाइट होती है। चलिए दोस्तों तो इसे रिलीज करते हैं यहाँ पर पर्यावरण में। और ये निशाचर होता है, रात में ही सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, बहुत कम आपको दिन में देखने को मिलेगा।